मोदी को तो पता चल जाएगा। अगर ड्राइवर ढंग से, अगर असल बाप का बच्चा सब है ड्राइवर पूरी इंडिया का, तो पूरा जम के हड़ताल करे। जब तक नहीं वो कानून को वापस ले, तो हम उस कानून का मतलब विरोध करता रहे। ड्राइवर के ऊपर में सरकार चलता है, और ड्राइवर अगर 2 दिन हड़ताल कर देगा ना, तो सरकार को हिला के रख देगा। ड्राइवर एक ऐसा चीज है कि ये हर एक चीज को जोड़ता है, बल्कि बशर्ते इसके पास कोई, इसकी कोई वजूद नहीं है। ये 10 रुपया की नौकरी करती है, लेकिन ये 10 रुपया को इसको इस तरह से इसको इसने बांधा है जो कि ये 10 रुपया का लायक भी ना रहे और जेल में अपनी सारी जिंदगी बिता ले। सब ड्राइवर से लेकर टैक्सी नंबर से लेकर प्राइवेट से लेकर ट्रक से लेकर हर ड्राइवर से लेकर लिस्ट है। 2.5 लाख ड्राइवर है। 2.5 लाख ड्राइवर सिर्फ अररिया जिला, अररिया जिला की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सही बात है। और ये माने रखता है, किसी भी संतज के लिए माने रखता है। कानून अभी तक आपस लिया नहीं है, इस पर जो हम लोग को लड्डू थमा दिया जो भाई आप 22-24 तक रुकिए, इसके बाद में इसका संशोधन हम आपको बताएंगे। ये लेकिन होने वाले, जो चीज़ कानून पास हो जाएगा वो बोलिए आपस करेगा, कभी नहीं करेगा। अच्छे अच्छे काम किए हैं प्रदीप सिंह जी, ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि ड्राइवर का मुद्दा में जो आया है, अभी कानून बना है, उसमें जरा सा भी पहल ये हल्प नहीं किए हैं, इससे हम लोग दुखी हैं। लोकसभा चुनाव के पब्लिक ओपिनियन के लिए अभी हम अररिया लोकसभा क्षेत्र में हैं, और अररिया लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, दूसरी बार जीते हुए हैं प्रदीप कुमार सिंह। तो यहाँ के जो ड्राइवर हैं, जो नया कानून है उसको लेकर इनका क्या कहना है, इसका लोकसभा चुनाव पर क्या, अररिया लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर और बाकी देश के लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, इस पर हम यहाँ के ड्राइवर भाइयों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद शाह हुआ, मैं ड्राइवर सदस्य का जो है उपाध्यक्ष है, अररिया जिला से रहते हैं। ड्राइवर के संघ का? ड्राइवर संघ का उपाध्यक्ष है हम। जिला संघ का? जिला संघ का। तो हम तो देखते हैं, ठीक है प्रदीप जी 2 बेर से सांसद जी है, काम तो करते हैं, लेकिन काम कुछ दिखने वाला काम तो कहाँ है, ड्राइवर सबको नज़र में कुछ दिखने वाला नहीं है। अभी जैसे ये कानून जो आया, इसमें प्रदीप जी थोड़ा सा आगे में आके ड्राइवर सबसे वातावरण भी करते हैं, लेकिन ये सब मसले में कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार हम सोचते हैं सीट चेंजे हो जाए इन लोगों को, तो अच्छी सी बात है। एक आदमी पुराना हो जाता है तो काम होता नहीं, नया नया आदमी आता रहेंगे तो काम अच्छा अच्छा होता रहेगा, यही बस गुजारिश है। और क्या आप कहेंगे, जो सरकार जो हम लोग को जो कानून अभी तक आपस लिया नहीं है, इस पर जो हम लोग को लड्डू थमा दिया जो भाई आप 22-24 तक रुकिए, इसके बाद में इसका संशोधन हम आपको बताएंगे। ये लेकिन होने वाले, जो चीज़ कानून पास हो जाएगा वो बोलिए आपस करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इसी लेके हम सारे आदमियों से गुजारिश करते हैं जो आप लोग देखते हुए अपना चुने आदमी को, उसी आदमी को चुने जो आपका अच्छा काम करे, बस इसी के साथ। कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से, कौन है अगला? मेरे हिसाब से तो अभी हम देख रहे हैं सबसे टॉप में जाकिर बाबू बहुत अच्छा आदमी है, अगर उसको मिल जाए सांसद का टिकट तो निर्विरोध जीत जाएगा, घर बगैर ऐलान कर ले, ये इतना चैलेंज देते हैं हम। तो लेकिन जाकिर साहब तो कांग्रेस में है? कांग्रेस में है। कांग्रेस के पास खाते में सीट जाएगा तो राजद लड़ती है, यहाँ से राजद लड़ती है, तो इसमें आप दोनों आदमी में बैठक हो, बैठ के दोनों में आपस में मेल कर ले, या तो सरफराज बाबू लड़े या तो जाकिर बाबू लड़े, दोनों में से कोई एक आदमी लड़े तो अपना सीट पकड़ ले, नहीं तो फिर बीजेपी वाला लड्डू दिखा कर सीट लेकर चला जाएगा आपका। आप नहीं चाहते कि बीजेपी वापस जीते? हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी आपस जीते। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज हुआ। क्या करते हैं आप? हम भी ड्राइवरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटरवाड़ी के रहने वाले हैं, रहते हैं अररिया में ही। पटरवाड़ी कौन सा प्रखंड में हुआ है? यही अररिया। ये अररिया प्रखंड जी। कितने साल से ड्राइवरी कर रहे हैं आप? हम 15 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं। तो अभी जो सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, दूसरी बार सांसद, उनका टर्म पूरा होने वाला, कैसा काम रहा उनका 10 साल में? काम तो मिला जुला के ठीक ही किए हैं, प्रदीप सिंह घर के आदमी थे, काम अच्छा ही किए, लेकिन इस बार बीजेपी को नहीं लाना है। हाँ, इस बार मतलब हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं और सरफराज बाबू यहाँ के MP बनेंगे इंशाल्लाह, हम लोग दिल और मन दम सबसे उनके साथ है, और उन्हीं को ही बनाना है, सरफराज बाबू को ही बनाना है, ठीक है ना? तो देखिए, जब तक नहीं सरकार चेंज होगा तब तक काम नहीं होगा। अभी सिलेंडर का महंगाई देखिए, पेट्रोल का महंगाई देखिए, 1-1 रुपया के लिए गरीब आदमी तरस रहा, खाने के लिए, पीने के लिए और गैस भरने के लिए, कोई किसी आदमी को ठंड में कम्बल ओढ़ने का नहीं है। वोट के टाइम में सब मतलब घूमता रहता है कि हमको वोट दीजिए, हमको दीजिए, जब वक्त आता है तो कोई देने वाला नहीं रहता, किसी गरीब को कोई पूछने वाला नहीं रहता है,
बोलिए कैसे इस मतलब सरकार का मतलब ये करेगा। अभी तेजस्वी आदमी पूरा पटना में घूम के मतलब जगह जगह पर भ्रमण कर रहा है, काम कर रहा है। जब तक न जनमिन काम करके पब्लिक को दिखाइएगा तब तक यहाँ के अररिया की मतलब विकास कभी नहीं हो सकती है। ये हम सब मतलब सरफराज बाबू के साथ हैं और एमपी का इलेक्शन इंशाल्लाह वो जीतेंगे और वो करेंगे काम इंशाल्लाह। नहीं करेंगे तो वो घर के आदमी हैं, उनको पकड़ के ला कर मतलब बोलेंगे काम करना होगा आपको। तो उनका टिकट आपको लगता है? हाँ इंशाल्लाह टिकट मिल जाएगा उनको। विधानसभा में हार गए तो हार गए कोई बात नहीं, हार गए मंथन चल रहा है और टिकट उन्हीं को ही मिलेगा, उनको मिल जाए या जाकिर बाबू को मिल जाए, यही दोनों आदमी यहाँ से सीट निकाल सकते हैं और किसी के बस का बात नहीं है सीट। नाम तारानंद राय हो गया। अच्छा हम भी एक ड्राइवर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया के हैं। माइक हम पकड़े हैं माइक। अररिया के हैं? अररिया के हैं। शहर के ही? नहीं, मेरा घर सिक्टी पंचायत में हुआ, सिक्टी ब्लॉक में हुआ। जी बताइए तो कैसा रहा सांसद का काम? सांसद का काम तो बहुत अच्छा चला सिक्टी में। आपका बहुत अच्छा काम चला। क्या क्या काम हुआ सिक्टी में? बहुत पुल पुलिये बनाए हैं, रोड बनाए हैं, बहुत जगह शिलान्यास किए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे काम किए हैं प्रदीप सिंह जी। ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि ड्राइवर का मुद्दा में जो आया है अभी कानून बना है उसमें ज़रा सा भी पहल ये हल्फ नहीं किए हैं, इससे हम लोग दुखी हैं। ठीक है, बहुत सा पुल पुलिया बना है, बहुत सा सारा काम का उद्घाटन भी हुआ है, प्रदीप सिंह खुद किए हैं जाके अपने से। क्या मांग है ड्राइवर की? ड्राइवर का मांग ये है कि ये कानून जो लगाया ये कानून को हटा दे। सरकार से निवेदन है ये कानून गलत है, ड्राइवर के ऊपर में सरकार चलता है और ड्राइवर अगर पाँच दो दिन हड़ताल कर देगा ना तो सरकार को हिला के रख देगा। तो आप लोग हड़ताल वापस ले लीजिए फिर। हड़ताल वापस कैसे? हड़ताल वापस अभी नहीं चला है, अभी सिलसिला चल रहा है, चालू है। ठीक है, उसी विषय में अभी सरकार भी एग्री नहीं हुआ अभी, लेकिन यह बंद हो जाएगा और बंद करना पड़ेगा सरकार को। हमारा ये एमपी अगर चाह लेंगे, जितने भी एमपी हैं बीजेपी का, सरकार बीजेपी का है ना, तो अभी अगर चाह लेंगे, अभी 24 में चुनाव होने वाला है, चाह लेंगे तो ज़रूर ये ड्राइवर का मांग पूरा होगा। इसको लेकर प्रदीप सिंह से बात हुई आप लोग की, संघ के लोग आप लोग? नहीं अभी तक तो बात नहीं हुई। सांसद से मिलने का वक्त लिए, टाइम लिए कभी? नहीं, टाइम दिया ही नहीं हम लोगों को। तो मांगे थे टाइम? टाइम मांगे थे। अच्छा, मना कर दिया मिलने? नहीं, कुछ जवाब नहीं दिए। क्या फोन किए थे? नहीं, हम लोग जाके मिले थे। क्या बोले वो? अभी कोई जवाब नहीं दिया है, वो उसमें शायद दिल्ली में थे कुछ के प्रोग्राम में। वापस आने के बाद? वापस आने के बाद हम लोग नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं, तब तक में तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हड़ताल भी ड्राइवर सब तोड़ दिया, काम चालू हो गया। तो उनसे कोई उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। करेंगे कुछ? एकदम करेंगे, सांसद है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 24 में फिर आप उनके साथ हैं? हाँ 24 में साथ हैं। प्रदीप कुमार सिंह के साथ हैं? साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और ये कानून वापस नहीं हुआ तो? नहीं है तो फिर देखा जाएगा आगे, हम लोग फिर सोचेंगे, फिर हम लोग हड़ताल करेंगे, ड्राइवर मिलकर हड़ताल करेंगे। क्या नाम आपका? अहमद रजा। अहमद रजा कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाबाड़ा। आप भी ड्राइवर हैं? हाँ। तो ड्राइवर का जो मुद्दा है ये, आप भी हड़ताल में थे उस वक्त? हड़ताल हम लोग भी करेंगे, नए कानून वापस नहीं करेगा सरकार तो फिर हम लोग फिर हड़ताल करेंगे सब ड्राइवर मिलके। क्या चलाते हैं? फोर व्हीलर। तो कानून में दिक्कत क्या है आपके साथ? दिक्कत क्या है, हम लोग ड्राइवर आदमी है, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा तो हम लोग 7-10 साल जेल में रहेंगे, तो हमारा बीवी बच्चा क्या खाएगा, परिवार कहाँ से क्या करेगा? और 7 लाख रुपया हम लोग कहाँ से देंगे? गरीब आदमी, ड्राइवर आदमी कहाँ से देंगे? हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, कमाएंगे खाएंगे 7 लाख रुपया देंगे और 10 साल जुर्माना जेल में रहेंगे, हमारा बीवी बच्चा परिवार तो मर जाएगा। यही बात हम लोग ये है, कानून वापस होना चाहिए। लेकिन उसमें जो है कि अगर ड्राइवर मदद कर दिया, लेके चला गया इलाज करने, तो उसमें कुछ राहत मिलेगा? वो मौका नहीं मिले तो ड्राइवर वहाँ रहेगा तो पब्लिक उसको मार के खत्म कर देगा। अच्छा। पब्लिक उसको मारपीट करेगा, एक पेशेंट वो रहेगा तो छोड़ेगा, पब्लिक छोड़ेगा वहाँ पे उसको, तो वहीं मरना शुरू कर देगा। नहीं, हादसा करके अगर भाग जाता है, कल को मान लीजिए आप ही का एक्सीडेंट हो गया, हादसा करके कोई भाग गया तो वो अमानवीय है ना, वो थोड़ा बुरा है ना? भी है वो मान के ठीक है, लेकिन ड्राइवर को तो वहाँ छोड़ता नहीं है, मारने पीटने लग जाता है पकड़ के। तो आपके हिसाब से क्या ड्राइवर भाग ही जाना चाहिए, तो कैसे क्या होगा? कोई भी अपना जान बचाने के लिए तो भागेगा ही ना, लेकिन जिसका जान चला गया
वो अलग बात है। जान क्यों चला जाएगा? जान क्यों चला जाएगा? कोई ड्राइवर एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता। नहीं, जानबूझ के नहीं करता, गलती से हुआ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसका इलाज, एक दूसरे के गलती से एक्सीडेंट होता है, ठीक है। ड्राइवर कोई अगर रोड पर चल रहा है तो ड्राइवर चूटी को चौंपने के लिए नहीं चाहता है, ठीक है। वो बाइक वाले हो या ऑटो वाले हो या पैदल वाले हो, वो गाड़ी अगर जाती है तो गाड़ी को पलट के देखती है, वो राउट नहीं देखती है कि हमके आगे में क्या है नहीं है। वो गाड़ी को देखता है, गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, कौन जा रहा है। अरे खुद अपने आप को देखो ना भाई, अपने रास्ता देखो ना, दूसरे को क्यों देख रहे हो? मेरा नाम मोहम्मद नजर हसन है, उर्फ गुड्डू, उर्फ गुड्डू के नाम से जानते हैं। हम रहने वाले यही अररिया डिस्ट्रिक्ट का है, अररिया बाजारे का रहने वाले हैं। तो बताइए, जो कानून को लेकर आप नहीं, नाराजगी तो है, क्यों नहीं नाराजगी होगा? इलेक्शन पे उसका कोई असर पड़ेगा? इलेक्शन में तो खैर जाएगा, जो कि वो बोरा में जाएगा, वो जिसमें कोई दो राय नहीं है उसमें तो वो डायरेक्ट बोरा में जाएगा। क्योंकि कौन बोरा में जाएगा? जो लाया है। हाँ, वो लाया है और वो बोरा में जाएगा। क्योंकि जब कहता है कुत्ते की जब मौत आती है ना, गिदर की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागती है, और उसी तरह से वो एक गिदर बन चुका है। वो गिदर बनने का कारण है कि वो एक इस चीज़ को वो छाता मार दिया है, जिस चीज़ को वो रह नहीं सकता है। ड्राइवर एक ऐसा चीज़ है कि ये हर एक चीज़ को जोड़ता है, बल्कि बशर्ते इसके पास कोई, इसकी कोई वजूद नहीं है। ये 10 रुपया की नौकरी करती है, लेकिन ये 10 रुपया को इसको इस तरह से इसको इसने बांधा है जो कि ये 10 रुपया का लायक भी ना रहे और जेल में अपनी सारी ज़िंदगी बिता ले। इसकी मौगी बाल बच्चा जाए कहीं रहने पर आराम जाए, कोई उसकी इस चीज़ को उसको कोई गम नहीं है, ये वो चाह रहा है। तो हम उसको इस तरह से हम तो उसका विरोध करेंगे ही। आप लोग संघ से कितने ड्राइवर जुड़े हैं, लगभग कितने लोग होंगे? हम लोग मोटा मोटी अभी इस अररिया में जो है ना, हजारों ड्राइवर से ऊपर जो है इसमें जुड़े हुए हैं। 2.5 लाख जो बता रहे हैं, कितना पूरे बिहार में? पूरे अररिया में, पूरे अररिया जिला में। पूरे अररिया जिला में 2.5 लाख ड्राइवर है? हाँ सर। हाँ, तो अररिया लोकसभा में 2.5 लाख वोट का मतलब असर पड़ सकता है? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं? आपका परिवार भी तो है। हाँ एकदम, हाँ एकदम, क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ मान के चलिए, ये वो नहीं देगा, उसका वो उसका भगत है तो उसको वो नहीं दे, वो देगा उसको, लेकिन हम तो नहीं देंगे क्योंकि वो उसका भगत है, उसको देगा वो, क्योंकि भाई उसको उसको इस कानून से उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो तो सोचता है कि हमारे पास बाप दादा कर्जा हुआ तो हम खा करके भाई गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो बाप दादा कर्जा हुआ तो कोई चीज़ नहीं है। हम सब ड्राइवर भाई, तो आप लोग सारा ड्राइवर भी तो एकजुट नहीं है? एकजुट कैसे नहीं है? आप सब विरोध तो, कुछ तो वोट देना भी चाह रहे हैं फिर? नहीं, वो जो देना चाह रहा है वो, क्योंकि वो उसको वोट नहीं दे रहा है। अच्छा। वो दे रहा है, वो जान रहा है कि हमारा बाबा है तो बाबा को वोट दे रहा है, क्योंकि वो भगवान है और हम भगवान तो है नहीं। एक आक्स में 2-4-5 तो हो जाता है भैया, 2-4-5 तो घबराना नहीं है, हर घर में होता है। ड्राइवर संघ में जो 2.5 लाख है, हम 50,000 को खत्म कर दिए। सब ड्राइवर से लेकर टैक्सी नंबर से लेकर प्राइवेट से लेकर ट्रक से लेकर हर ड्राइवर से लेकर लिस्ट है। 2.5 लाख ड्राइवर है। 2.5 लाख ड्राइवर सिर्फ अररिया जिला, अररिया जिला की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सही बात है। और ये माने रखता है, किसी भी संतज के लिए माने रखता है। अगर एक घर में 3-4 वोट है एक ड्राइवर को, उसमें हम 50,000 यह करती है, फिर भी मतलब जिस तरफ ड्राइवर झुकेगा उसी तरफ उसी की जीत होगी। पूरे बिहार में कितने ड्राइवर होंगे? पूरे बिहार का मुझे ये नहीं है, काउंटिंग नहीं है, लेकिन सब जितने भी पूरी यहाँ पे इंडिया में ड्राइवर हैं, हम सब ड्राइवर के साथ हैं। ये कानून जो उन्होंने लेके आया, इस कानून को वापस होना चाहिए। अब बताइए 10 साल का ये क्या तुक है भाई? 10 साल का मतलब कि जानबूझ के मोटरसाइकिल वाला हर आदमी मतलब गाड़ी के आगे, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरे से चूटी मरे, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है। 10 लाख रुपया होनी रहती है, हो जाती है बात। अब बताइए अगर ड्राइवर पलट पर रुकेगा, उसको तो पब्लिक मार मार के वहीं जान मार देगी। अगर वो भागेगा नहीं, वो भाग जाएगा फिर उसका ये करके उसके बच्चा को 10 साल मतलब उसको कर दीजिएगा, 7 लाख टका जुर्माना दीजिएगा, या 7,000 रुपया कमाने वाला आदमी वो 7 लाख रुपया कहाँ से ला के देगा? बोलिए, है कोई तुक है? ड्राइवर के दिल से पूछिए कि ड्राइवर को क्या गुजरता है। एक एक महीना ट्रक लेके बाहर रहता है, बीवी बाल बच्चा को छोड़ के रहता है, किसके लिए? पब्लिक के लिए, सारा सामान भर के ले जाता था। मोदी को तो पता चल जाएगा अगर ड्राइवर ढंग से, अगर असल बाप का बच्चा सब है ड्राइवर पूरी इंडिया का, तो पूरा जम के हड़ताल करे। जब तक नहीं वो कानून को वापस ले, तो हम उस कानून का मतलब विरोध करता रहे। मामूली बात है, बताइए।
सारा ड्राइवर किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, किसके घर में क्या नहीं हो रहा, कोई आया दिल का हाल पूछने के लिए? ये मंत्री संतरी ये सब अपना रोटी सीखने वाला हिसाब किताब है। इलेक्शन का टाइम आएगा तो एकदम सब ड्राइवर को लेकर गाड़ी लेकर 50 गाड़ी का कपड़ा निकल जाएगा। उस दिन ड्राइवर नहीं लगेगा, मंत्री संतरी चढ़ेगा कुंची पर, क्या चीज प्रचार करेगा? मंत्री को भी सोचना चाहिए, जो यहाँ के प्रेजेंट है उसको भी आना चाहिए स्टैंड में ड्राइवर का हाल पूछने के लिए। आज प्रदीप सिंह हमारे दो बार आए हैं, वो आए कभी ड्राइवर का यहाँ पे रुक कर हालचाल पूछने के लिए कि किस हाल में हो तुम लोग में क्या एकता है, क्या परेशानी है? पूछे कभी नहीं पूछे। पूछेंगे उसी को, दलचट्टे बलबट्टे को सबको पूछेंगे, समझे? जो वोट देने वाला है, जो काम करने वाला है, उसको कभी कोई नहीं पूछता है। आपके पास चला जाएगा, आपको कहेगा कि ये गांव में 50,000 वोट है, ऐसे दिखा देगा उंगली दिखा के कि 50,000 वोट है, और उसी को 10,00,000 दे देगा। उसका जो बाप का वोट है साला। हर आदमी जागरूक हो गया आज के डेट में, हर आदमी अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। इंटरनेट का जमाना हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया है।